हे गाइस, वेलकम टू एच टेक जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर Redmi 5A के बारे में और साथ ही हम बात करने वाले हैं Redmi 4A के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं, इन दोनों डिवाइसों के लिए यहाँ पर MIUI 10 का स्टेबल वर्जन रोल आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पर Redmi 5A और Redmi 4A के बारे में। दोस्तों पता नहीं क्यों यहाँ पर इन्हें तो अपडेट मिले हो चुका है लगभग 1 वीक, लेकिन अभी भी लोगों को अपडेट नहीं मिला। ये बहुत ही बड़ी ताजुब की बात है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको अपडेट नहीं मिला, तो आज की इस वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर एंड्रॉइड ओरियो और पोर्टल मोड के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। तो आपने आज की हमारी ये वीडियो शुरू से लेकर आना जरूर देखनी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पास वाले बेल का आइकन आएगा तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। शायद दोस्तों आपने आज की इस वीडियो लाइक करना है, और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है यहाँ पर 100 लाइक का। तो दोस्तों आपने 100 लाइक कंप्लीट करके जाने हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर MIUI 10 के बारे में, जो मिल चुका है यहाँ पर Redmi 5A और Redmi 4A दोनों को ही। लेकिन दोस्तों अगर आपको यह अपडेट नहीं मिला है, तो दोस्तों आप मैनुअल फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल फ्लैशिंग किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वीडियो देख सकते हैं, वो आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगी। दोस्तों मैं कल 2 वीडियो लेकर आया था, उन दोनों वीडियो मैंने बताया है मैनुअल फ्लैशिंग किस प्रकार से होती है। तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं बड़े आराम से इन दोनों डिवाइस में। साथ ही जो इन दोनों जो की जो डाउनलोड लिंक होगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आपके पास कोई सा भी डिवाइस है, तो उसके जो रोम है डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, और फ्लैशिंग प्रोसेस आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर Redmi 5A के बारे में, कि इन्हें कौन सा MIUI 10 मिला है। तो दोस्तों Redmi 5A वालों को मिला है यहाँ पर MIUI 10.1.1.0 NCKMIFI। दोस्तों ये वाला जो वर्जन है अभी नोगट पर बेस्ड है, ओरियो इनके लिए उसमें अभी MIUI 10 में नहीं आया है। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, आपके लिए जो बीटा रोम आती है MIUI की 10 की, दोस्तों उसमें आपको एंड्रॉइड ओरियो मिल चुका है। तो दोस्तों आपके लिए जल्दी ही स्टेबल रोम में भी एंड्रॉइड ओरियो आने की संभावना है। क्या मान लीजिए आपके दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर MIUI 10 के साथ में आपको एंड्रॉइड ओरियो मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी इन डिवाइस के बारे में। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप MIUI 10 फ्लैश करना चाहते हैं, दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छी रोम है यहाँ पर, जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो तो बहुत अच्छा है, और थोड़ी बहुत बैटरी की प्रॉब्लम है माइनर सी, वो आप अगर इग्नोर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप यूज करेंगे तो आपकी बैटरी डाउन होगी, तो नॉर्मल बात है, थोड़ी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है बहुत बार। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप रिबूट वगैरह करके सही भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसकी डाउनलोडिंग लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर बात की जाए इसके साइज की, दोस्तों इसका साइज है 1.25 GB का। तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर Redmi 4A के बारे में। दोस्तों जिनके पास भी Redmi 4A है, तो आप सभी के लिए भी खुशखबरी है कि आपके लिए भी यहाँ पर MIUI 10 रोल आउट हो चुका है। लेकिन आपको नहीं मिला है तो भाई मैं आपको लिंक दूंगा इसके भी डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, और फ्लैशिंग प्रोसेस आप मेरी कल की वीडियो में देख सकते हैं। अगर बात की जाए इन्हें कौन सा वर्जन मिला है, दोस्तों इन्हें भी सेम वर्जन मिला है, जिसका नाम है MIUI 10.1.1.0 NCKMIFI, और इन्हें मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं। ये 28/11 को आया था अपडेट, लेकिन आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसके साइज की बात की जाए, दोस्तों साइज इसका है यहाँ पर 1.30 का। दोस्तों ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको इसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके फुल फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों चाहे आप बीटा वर्जन पर भी क्यों ना हो, आप जो इस वाले रोम को आराम से फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन जो बीटा वाले यूजर्स होंगे उनका दोस्तों डाटा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हैं बीटा यूजर्स दोनों किसी भी डिवाइस के, तो दोस्तों आप थोड़ा डाटा का बैकअप बना लीजिएगा, क्योंकि जब बीटा से स्टेबल में जाएंगे तो आपका जो डाटा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही स्टेबल में हैं, तो आपका डाटा कोई सा भी क्लियर नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप MIUI 9 के स्टेबल में, 8 के स्टेबल में, किसी में भी हैं, दोस्तों आपका बिल्कुल भी डाटा क्लियर नहीं होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आप फ्लैश कर सकते हैं। और बात की जाए यहाँ पर आपके वारंटी वॉइड होने की या फिर हार्ड ब्रेक की, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना ही आपकी जो वारंटी वॉइड होगी उस प्रोसेस से, ना ही दोस्तों जो आपका डिवाइस है वो हार्ड ब्रेक होगा या फिर डेड होगा। तो आप ये सभी चिंता मत कीजिएगा, और शायद दोस्तों जो आपको आने वाले फ्यूचर के अपडेट्स हैं वो आपको आपके डिवाइस में मिलते रहेंगे, तो उसके लिए भी आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में तो यही थी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों मैंने आपको बताना था कि इन दोनों डिवाइसों के लिए MIUI 10 रोल आउट बहुत दिन पहले हो चुका है, लेकिन अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो आप आज अपडेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कर शेयर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।